कहते हैं ओशो ने अपनी जिंदगी में 1,00,000 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी। पहले वो सिर्फ एक फिलोसफी के प्रोफेसर थे, पर जब वो एक गुरु बने तो बहुत फेमस हुए। इंडियन गवर्नमेंट के साथ जब उनका पंगा हो गया तो वो अमेरिका चले गए और वहाँ उन्होंने अपना एक शहर बना लिया। खुद के एयरपोर्ट, खुद के मॉल्स, खुद के लोग, सब कुछ खुद। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस और वो हीरे की घड़ी पहनते। और जब एक दिन FBI ओशो को अरेस्ट करने पहुंची तो वो अपने प्राइवेट जेट से भाग रहे, और जब पकड़े गए तो वो सीट के पीछे छुपे हुए थे। क्या हुआ ओशो के साथ? क्यों ओशो के कल्ट ने पूरे के पूरे शहर को जहर दिया? क्यों मर्डर्स हुए? क्यों फ्रॉड्स हुए? हम इस कहानी के पूरे डिटेल में मजे लेंगे। ओशो मध्य प्रदेश के बरेली में पैदा हुए थे और वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। वो जबलपुर के चोर बाजार गुरंदी से किताबें खरीदा करते थे और मैंने भी वहां से कई किताबें खरीदी। अपनी जवानी के दिनों तक ये काफी पढ़ाई कर चुके थे और 29 से 37 साल की उम्र तक ये कॉलेज में फिलोसफी पढ़ाते थे। पर ओशो की बातें सुन के लोग बहुत ऑफेंड हो जाते थे और बहुत अचंभित भी हो जाते थे, क्योंकि वो तर्क से भरी हुई होती थी। धीरे धीरे करके ओशो के डिसाइपल्स बन गए। टिल ईयर 1970, जब वो 39 ईयर्स के थे, उन्होंने अपने डिसाइपल्स की एक छोटी सी टीम बना ली और ये सब मुंबई के एक फ्लैट में ऑपरेट कर रहे थे। ओशो का नाम तब रजनीश था, लोग उन्हें आचार्य रजनीश बुलाते थे। और तब उनकी सेक्रेटरी थी माँ योगा लक्ष्मी, जिनका असली नाम था लक्ष्मी कुरवा। अभी ओशो का सारा कारोबार यही संभालती थी। जब ओशो बॉम्बे में ही थे तभी उन्हें मिलती है शीला। शीला वो नाम था जिसे पूरा अमेरिका सदियों तक याद रखने वाला था। 16 साल की शीला पहली बार रजनीश से मिलके मंत्रमुग्ध हो जाती। वो अपने पापा के साथ आई थी और रजनीश की पहली मुलाकात को ऐसे डिस्क्राइब करती। And I felt like if life ends now, I have nothing to lose. इसी मुलाकात के बाद हायर स्टडीज के लिए शीला अमेरिका चली गई और वहाँ उसने मार्क से शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों वापस आके रजनीश के ही डिसाइपल बन गए। और शीला और रजनीश के बीच में सेक्स हुआ या नहीं, ये हमें आगे पता लगेगा। जब रजनीश के फॉलोअर्स बहुत बढ़ने लगे और मुंबई के फ्लैट में ऑपरेट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो सारे के सारे डिसाइपल्स पूना में रजनीश का एक आश्रम बना लिया। रजनीश विद हिज थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज मूव टू पूना। ये आश्रम धरती में एक स्वर्ग के जैसा था। सालाना 30,000 से ज्यादा फॉरेनर्स यहाँ आके विजिट करते थे। यहाँ डॉक्टर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब थे। ये जगह हायर क्लास और हायर मिडिल क्लास से भरी हुई थी। आश्रम में रजनीश के महान लेक्चर्स, एक कंफर्टेबल रूटीन और बहुत से एडवेंचर्स थे। यहाँ पे जो मेडिटेशन कराया जाता था वो नॉर्मल मेडिटेशन नहीं था, ये डायनेमिक मेडिटेशन था। रजनीश का मानना था कि लोग अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए इस मेडिटेशन के दौरान लोगों को कूदना होता था, चिल्लाना होता था, जो मन में आए वो करना होता था, अपनी सारी एनर्जी को बाहर निकालना होता था और फिर शांति से ध्यान लगाना होता था। लोगों के अंदर सेक्सुअल एनर्जी जो स्टोर्ड, उसे बाहर निकालने के लिए फ्री लव आश्रम में प्रैक्टिस कराया जाता था। फ्री लव का मतलब है कि जिसके साथ सेक्स करना है करो, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। आश्रम में फैमिली और बच्चे जैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, क्योंकि रजनीश के हिसाब से ये सारी चीजें एनलाइटमेंट के रास्ते में बाधा हैं। ये रही वो वीडियो जो पूना के आश्रम थी। यहाँ पे लोग अपनी एनिमलिस्टिक डिजायर को बाहर निकाल रहे हैं, पूरे नंगे और एक दूसरे को मार रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में ये सब तो चलेगा नहीं, और साथ में आश्रम के ऊपर कुछ टैक्स चोरी के भी आरोप। तो ओशो ने किसी बाहर की कंट्री में जाने का सोचा। माँ लक्ष्मी कुरवा अभी ये जिम्मेदारियाँ ठीक से नहीं संभाल पा रही थी, और समय के साथ शीला ओशो के बहुत करीब आ गई थी। क्योंकि शीला अमेरिका में ही पढ़ के आई थी तो उन्होंने अमेरिका में ही एक जगह ढूंढी जहाँ पे वो ओशो का आश्रम बसाने का सोच रही थी। और शीला ने 64,229 एकर्स का लैंड खरीदा। अब अंदाजे के लिए कि ये जगह कितनी बड़ी है, बनारस एक इंडिया की फेमस सिटी है और उसका एरिया है 20,260 एकर्स। और ये जगह जो शीला ने खरीदी थी वो बनारस से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, $5.75 मिलियन में। ये लैंड अमेरिका के ओरिगन में था, एंटीलोप नाम के एक छोटे से गांव के पास बिग मडी रेंच नाम की एक बड़ी जगह थी जिसे पूरा का पूरा शीला ने खरीद लिया था और अब उसका नाम रख दिया था रेंचो रजनीश। अमेरिका में एक लॉ है कि अगर 150 पीपल एग्री करेंगे तो किसी भी जगह को एक शहर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और शीला का यही मास्टर प्लान था। लोग आचार्य रजनीश से बहुत प्यार करते थे और इसी प्यार की वजह से शीला ने लोगों को एक विजन दिखाया।
विजन एक ऐसी सिटी बनाने का जिसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो, सारे हमारे रूल्स हो, जो हेवन हो, अर्थ पे रियल हेवन। हजारों लोग एंटीलो पहुंच गए इसी विजन को लेके और दिन रात काम करने लग गए। बहुत से पोर्टेबल हाउसेस कंस्ट्रक्शन लगातार काम हो गया। आसपास के लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या चल रहा है। धीरे धीरे उनके सामने सब आया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर बनने वाला है जो बहुत लग्जरी होगा, जहाँ पे सब कुछ होगा जो एक बड़े शहर में होना चाहिए। इन लोगों ने मॉल्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, बड़े बड़े मेडिटेशन हॉल्स बनाए, रेस्टोरेंट्स बनाए, कैफे बनाए। ये जगह बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। यहाँ वो सब कुछ था जो एक बड़े शहर में होना चाहिए। सारे सन्यासी बहुत खुश थे। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था जब बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी जल्दी इतने बड़े शहर को तैयार कर दिया। और इस पूरे के पूरे समय आचार्य रजनीश मौन थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, सारे पब्लिक टॉक्स बंद कर चुके थे। इस पूरे मूवमेंट को हिस्ट्री रजनीश मूवमेंट के नाम से याद रखती है। और इस पूरे मूवमेंट की लीडर और स्पोक्स पर्सन थी शीला। फिर एक दिन इस आलिशान सिटी में, जहाँ सब आचार्य रजनीश के भक्त थे, सब कुछ उनका ही था, बहुत सी महंगी गाड़ियों के बीच एक रोल्स रॉयस से उतरते हैं भगवान श्री रजनीश। भगवान श्री रजनीश रजनीशपुरम में आ चुके थे, सबका सपना सच हो चुका था, भगवान आ चुके थे। अब आचार्य रजनीश को सब भगवान बुलाते थे। एंटीलोप के लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो ओशो के कल्ट के सख्त खिलाफ थे, पर अब भगवान को रोकना नामुमकिन था। हमेशा से रजनीशपुरम मतलब ओशो की सिटी और अमेरिकन्स के बीच में डिफरेंसेस बने रहे। यूएस गवर्नमेंट भी रजनीशपुरम के पीछे पड़ी हुई थी। और अब रजनीशपुरम में वो सारी चीजें शुरू हो गई जो रजनीशपुरम के लोग चाहते थे। यहाँ पे पुलिस भी रजनीशपुरम की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं था। लोग खुले में सेक्स कर रहे थे, किस कर रहे थे, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, मैरिजेस नहीं हो रही थी। ये एकदम अलग जगह थी। कंजर्वेटिव लोग ये सब देख के बहुत सुकड़ जाते हैं। बाहर के लोगों को लगता था कि रजनीशीश बेवकूफ है, और रजनीशीश को लगता था कि बाहर के लोग बेवकूफ हैं। धीरे धीरे करके जब एंटीलोप के लोग बहुत विरोध करने लगे, तो शीला ने एंटीलोप के हर एक घर को खरीद। अब वो एंटीलोप नाम का छोटा सा गांव भी रजनीशपुरम का हिस्सा बन गया। जब आसपास के रेंजर्स ने रजनीशीश को परेशान करने के लिए गोलियां चलाई, तो रजनीशीश रुके नहीं। अब रजनीशपुरम में एक आर्मी भी तैयार होने लगी। वो लोग रोज शूटिंग प्रैक्टिस किया करते थे। वहां जो जो हुआ धीरे धीरे सामने आया, और ये सबकी सोच से परे था। अगली बड़ी चीज जो ओशो और शीला टारगेट कर रहे थे, वो था वेस्को काउंटी इलेक्शंस। वेस्को काउंटी उस पूरी जगह का नाम है जहाँ पे ये सिटी थी। अगर वहाँ के इलेक्शंस रजनीशीश जीत जाते, तो किसी का कोई इन्फ्लुएंस इन पे कोई काम नहीं करता। इसलिए शीला इन वेस्को काउंटी इलेक्शंस को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती। रजनीशीश को पता था कि उन्हें वोट सिर्फ रजनीशीश ही देंगे, बाहर के लोग मतलब अमेरिकन्स एंटीलोप के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। तो रजनीशीश ने अपने वोटर्स बढ़ाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया, जिसका नाम था शेयर द होम कैंपेन। इसी कैंपेन के दौरान पूरे के पूरे अमेरिका से 6,000 भिखारियों जो बेघर लोग, उन्हें रजनीशपुरम ले आया गया। उन्हें पनाह दी गई, खाना दिया गया, अच्छी फैसिलिटीज दी गई, और बोला गया कि तुम रजनीशपुरम के लिए वोट कर। और ये सब जब शीला ने खुद ही पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया, तो हायर अथॉरिटीज ने इन बेघर लोगों के वोटिंग राइट्स ही छीन ली। अब ये लोग वोट ही नहीं कर सकते थे, सिर्फ वही वोट कर सकता था जो ओरेगोन का मूल निवासी था। ये सब होने के बाद रजनीशीश बहुत परेशान हो गए, और शीला ने सोचा कि जब मैं अपने वोटर्स बढ़ा नहीं सकती, तो क्यों ना मैं दूसरे वोटर्स को ही कम कर दूं। और अब रजनीशीश ने क्राइम्स करना शुरू कर दिया। शीला ने अपोजिट वोटर्स को कम करने के लिए 10 रेस्टोरेंट्स में सेल्मोनेला मिला दिया। सेल्मोनेला एक वायरस है जिससे लोगों को टाइफाइड होता है। जब ऐसा शीला ने किया, तो पूरे के पूरे शहर में फूड पॉइजनिंग फैल गई। मेडिकल इमरजेंसीज बढ़ती जा रही थी, पूरा शहर बीमार होने लगा। 750 लोग बीमार हो गए। बहुत समय तक इन्वेस्टिगेशन चली, और बाद में सब साफ हुआ। प्लान तो ये भी था कि शहर में जहाँ से पानी आता है, उस वाटर टैंक में ही जहर मिला दिया जाए। यूएस गवर्नमेंट अब रजनीशीश के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बहुत जोर शोर से कर रही। शीला ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनका भी मर्डर करने का प्लान बनाया। धीरे धीरे करके रजनीशपुरम में हॉलीवुड के लोग भी आने लगे, और हॉलीवुड की एक महिला हाशिया
भगवान श्री रजनीश के बहुत करीब आ गई। शीला को इन सबसे बहुत जलन होती थी। शीला ने इन लोगों का भी मर्डर करने का प्लान बनवाया। जब ये मर्डर्स और क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, शीला एक दिन अचानक से अपने सारे दोस्तों के साथ भाग गई। शीला रजनीशपुरम छोड़ के भाग गई। दूसरे ही दिन 4 साल बाद भगवान ने पब्लिकली कुछ बोला और ऐसा बोला कि सारे लोग दंग रह गए। उन्होंने शीला के ऊपर खुल के आरोप लगाए। भगवान ने शीला के ऊपर पब्लिकली ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे जो FBI के दायरे में आते थे। शीला एंड हर ग्रुप, दे ट्राई टू किल 3 पीपल। शी शुड हैव बीन हियर एंड फेस्ड मी। शी डिड नॉट इवन कम टू से गुडबाय टू मी। और इसी के दौरान FBI को रजनीशपुरम के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिला। FBI को अंदर खतरनाक चीजें मिली, जैसे मेडिकल लैब्स जिसमें लगातार पैथोजन जहर तैयार किए जा रहे थे, अलग अलग लोगों के मर्डर्स करने के प्लान। शीला के घर से 10,000 टेप्स मिली जिसमें पूरे शहर की हर एक एक्टिविटी रिकॉर्डेड। FBI के पास ओशो के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं था, पर FBI को पता था कि अगर ओशो को अरेस्ट कर लिया तो ये सारा का सारा कम्यून ही खत्म हो जाएगा। इसलिए FBI ने फोकस ओशो पे किया। ओशो से रिलेटेड हर एक चीज की तलाशी ली गई। ओशो और सारे लोग बहुत परेशान हो गए, पर अब FBI रुकने वाली नहीं थी। उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम KD था, वो रजनीशपुरम का फॉर्मर मेयर था और उसने ओशो के खिलाफ रजनीशीज के खिलाफ गवाही देने का तय किया। सारे सबूतों और गवाहों के हिसाब से शीला, ओशो और उनके 60 डिसाइपल्स के ऊपर 35 अलग अलग मामलों पे अरेस्ट वारंट जारी हुआ। अब भगवान अरेस्ट होने वाले थे। शीला इस समय जर्मनी में कहीं थी और ओशो रजनीशपुरम। इन लोगों को सीधे जाके अरेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। इन सब के पास बहुत हथियार थे। रजनीशपुरम के सिक्योरिटी के पास पूरे ओरेगन स्टेट की पुलिस से ज्यादा हथियार। लोग ओशो की हिफाजत के लिए जान देने को तैयार। उस समय US आर्मी और FBI स्वाट टीम को बुलाया गया। उन सबको बस ओशो चाहिए था बस। पर इन्हीं सब के बीच एक दिन रेंच में 2 जेट आते हैं और भगवान भाग गए। US डिफेंस को पता चल गया कि भगवान श्री रजनीश बर्म्यूडा जा रहे हैं, क्योंकि वहां से उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। FAA जो US का एयरफोर्स डिपार्टमेंट, सब ओशो को ट्रेस कर रहे थे। और कुछ ही समय में जब ओशो का प्लेन फ्यूलिंग के लिए रुका, तब ओशो के जेट से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। जब ओशो को अरेस्ट करने पहुंचे तो वो सीट के पीछे छुपे हुए थे, वो अरेस्ट हो गए। उसी समय शीला और उसके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। सब खत्म हो गया, वो सब जेल में थे। ओशो पे इमिग्रेशन और मैरिज फ्रॉड जैसे इल्जाम थे और शीला पे बहुत कुछ। फाइनली डिसाइड हुआ कि ओशो अमेरिका छोड़ देंगे और वहाँ से चले जाएंगे। उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया गया। शीला 29 महीनों तक जेल में रही, फिर वो स्विट्जरलैंड में कहीं शिफ्ट हो गए और भगवान श्री रजनीश फिर भारत वापस आ गए एक नए नाम के साथ, ओशो। और वो अपने पुराने पुणे के आश्रम में रहने लगे। 1980 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे भी बहुत सी थ्योरीज। एक थ्योरी कहती है कि US जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया जिससे वो धीरे धीरे बीमार और कमजोर हो गए। और कुछ का कहना है कि इंडियन आश्रम में उनके कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की उनकी प्रॉपर्टी के लिए। वेल, अदर देन दिस US स्टोरी, ओशो वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ हिज एज। उनकी टीचिंग्स आज भी लोग इंटरनेट पे सुनते और शेयर करते। वो एक महान आदमी था, एक रिवॉल्यूशनरी था। बॉटम लाइन यही है, फिलॉसफी पढ़ो पर एनलाइटमेंट मत खरीदो, क्योंकि वो कोई नहीं बेच सकता, कभी भी नहीं। जो भी एनलाइटमेंट बेच रहा है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शन प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो। आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताइए। हम भी बने हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।